हेलो गाइस, वेलकम टू रेपो। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो जैसे आप लोगों को पता ही कि एसबीआई पीओ का रिजल्ट पेंडिंग है, तो बच्चों का मन में एक क्यूरियोसिटी है कि सर रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो आज इसी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर मैं 2021 का बात करूं तो 2021 में जो मेंस का एग्जाम डेट था वो था 2 जनवरी। ठीक है, एंड जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो था 25 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। दैट मीन्स विद इन 23 डेज रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। एंड इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था वो 2 फरवरी को हुआ था। ठीक है, एंड 2022 का एस पर जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन में मेंस का जो एग्जाम डेट था वो लिखा हुआ था जैन एंड फेब, ये लिखा हुआ था। तो एग्जाम कॉन्डक्ट हुआ था 30 जनवरी को। एसबीआई का जो मेंस का रिजल्ट डेट नोटिफिकेशन में मेंशन है वो मेंशन है फरवरी। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं इस चीज का यही इंडिकेशन देता है कि रिजल्ट जो है ये विद इन फरवरी डिक्लेयर होगा। लेकिन बच्चों का मन में कब तक, अभी देखिए अगर मैं आज से देखूं तो हम लोगों के पास नियरली 4 to 5 days है। ठीक है, तो रिजल्ट 1-2 दिन में आने का बहुत हाई चांस है। अगर 1-2 दिन में अगर नहीं आता है रिजल्ट तो आपका मंडे या ट्यूजडे तक आपको रिजल्ट देखने का मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। बिकॉज नोटिफिकेशन में जो है वो फरवरी ही मेंशन किया गया है। ठीक है, कि एसबीआई का जो टेंटेटिव डेट होता है वो रियली रॉन्ग होता है एवरी टाइम। मैक्सिमम टाइम उसका क्या होता है, राइट, उसी हिसाब से ही एग्जाम हो या रिजल्ट हो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे बोलना यही था कि आप रिजल्ट के लिए उतना ज्यादा भी वेट मत कीजिए, अपना काम करते रहिए। क्योंकि रिजल्ट मिलने का बाद भी आप लोगों का तो अपकमिंग बहुत सारा एग्जाम है, तो आप अगर रिजल्ट में ज्यादा ही वेट करोगे तो आपका एग्जाम क्या होगा, खराब, उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो बेटर होगा कि रिजल्ट के लिए भी आप लोग इंतजार करें लेकिन प्रिपरेशन में ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।